हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज फिर एक बार हम लोग अलीबाग में हम लोग वर्सोली बीच के पास में है। वर्सोली बीच भी काफ़ी क्लीन है, तो सोचा नागांव के काफ़ी सारे ऑप्शन है अपने पास, कुछ थोड़ा सा अलग एक ऑप्शन आ जाए। तो एक एवीस कॉटेज करके है, एक स्मॉल सिंपल एंड स्वीट एक रिजॉर्ट है, यहाँ पे ऑप्शन है अपने लिए, जो कि वर्सोली बीच से 10 मिनट्स वॉकिंग है। ठीक है, जस्ट आप वॉकिंग जा सकते हो। और थाने से अगर आ रहे हो, थाने साइड से, तो 90 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली बाय रोड आप यहाँ पे इजीली पहुँच जाने वाले हो। बाय रूट जो भी है, मैप वगैरह में आपको इजीली रूट मिलने वाला है। ठीक है, छोटा है, स्वीट एंड सिंपल प्रॉपर्टी है। मैं पूरा प्रॉपर्टी का टूर आपको देने वाला हूँ, उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, बजट वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है गाइस, तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का जो रहेगा आपका, अगर पैकेज में है या तो आप एक्सप्लोर पैकेज रहते हो, तो ऑप्शंस रहता है, भुर्जी पाव हो गया, पोहा, उपमा, मिसल पाव, ये चार ऑप्शन रहते हैं। उसमें से कोई एक दो ऑप्शन रहेगा आपके ऊपर रहेगा, आमलेट पाव वगैरह सब है। तो आपको जो चॉइस रहेगा उसके हिसाब से आप देख लो, काफ़ी टेस्टी है फिलहाल तो खा रहा हूँ, सुबह सुबह भूख लगे। चलो हे गाइस, तो मूविंग टूवर्ड आपका जो रूम पार्ट है, स्टे पार्ट है, तो कैसे है ना, ये जो फैमिली के कॉटेजेस है, ये आपको चार रूम है ऐसे यहाँ पे, अंदर उसके 4 पीपल रह सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ अंदर से। और एक बड़े रूम से जिसमें 8 लोगों का ऑक्यूपेंसी है, वैसे 3 रूम है। ठीक है, तो टोटल ऑक्यूपेंसी नियर 40-45 लोगों का है पूरे का। जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट एंड सिंपल है, बट काफ़ी अच्छा है। मैं अंदर से दिखा देता हूँ स्टे आपको, आ जाओ। ये देखो, नीट एंड क्लीन है रूम। यहाँ पे बेड पे 2 और एक्स्ट्रा मैट्रेस है, जिसपे आप 4 जन आराम से रूम में रह सकते हैं। टेबल कुर्सी वगैरह दिया है, बालकनी भी है, सीधे बाहर बैठ के अगर आप चिल करना चाहते हो, जूस वगैरह ड्रिंक वगैरह करना है, जो भी आपका रहेगा आप कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। आपका सब टॉयलेट, ये सब आपको प्रोवाइड होता है, सब टॉयलेटरी जो भी है, बेथिंग सोप वगैरह उनका खुद का है। ठीक है, वॉशरूम है, नॉर्मल आपका जो गीजर वगैरह सब गर्म पानी मिलने वाला टाइम टू टाइम। और आपका कुछ सामान है तो आप इसमें रख सकते हो। ओके, हेलो। तो एक ओपन टेरेस है पूरा यहाँ पे बड़ा, ठीक है ना, पूरे रिजॉर्ट का। तो यहाँ पे भी अगर आपको रात के टाइम पे बस बीच पास में ठंडी हवा चलने वाली है, तो अगर आपको ड्रिंक वगैरह करने के लिए, बूज करने के लिए बैठना है, तो मस्त टेबल कुर्सी लगा के देते हैं, टेरेस पे बैठ के आप मस्त एंजॉय कर सकते हो आपका जो भी है माहौल। हेलो, तो बड़े जो 3 रूम से मैंने आपको बताया था, उनमें से एक दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ। ये देखो, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी आप 2-3 लोग सो सकते हो, एक्स्ट्रा मैट्रेस है डाल के, तो टोटल एक 5-7-8 पीपल के बीच में वो लोग फिर ये रूम दे देते हैं। ठीक है, वॉशरूम एक ही है सबके लिए, बट काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, क्लीन है, नीट है, उसका इशू नहीं है। टॉयलेटरीज वगैरह सब आपको प्रोवाइड होगा। ओके, और ये मार्क कर लो कि ये नॉन एसी है। ठीक है, नॉन एसी कॉटेज है, पर इसका प्राइसिंग भी फिर लो ही है,
ऐसे बजट प्रॉपर्टी के हिसाब से है तो फिर पैसा थोड़ा एक ऑप्शन है अपने पास, देख लो आपके हिसाब से। हेलो, तो यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अरेंजमेंट है, अगर आप आ रहे हो तो ड्रिंक वगैरह करने का, जो भी आपका खाना भी ना लगे तो ओपन लॉन में आपका सब टेबल वगैरह, टेबल कुर्सी लगा के आपको मस्त चिल करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। जगह जगह पे झूला वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, हैमॉक है सब जगह पे, वहाँ पे वहाँ पे दो तीन हैमॉक है, तो बैठने के लिए भी काफ़ी रेस्ट करनी है और काफ़ी ठंडा लग रहा है। कैसे बीच पास में है ना तो हवा चलती रहती है तो बहुत ठंडा लग रहा है। अभी ये 11:30 का टाइम है, फिर भी बहुत काफ़ी अच्छा वेदर लग रहा है, ठीक है। थोड़ा ये लॉन एरिया है, लॉन एरिया के बाजू में यहाँ पे गार्डन वगैरह, फिर आपको खेलने के लिए आ रहे हो बैडमिंटन वॉलीबॉल छोटा बड़ा गेम्स है, आपका छोटा मोटा ग्रुप आ रहा है तो खेल सकते हो, थोड़ा एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अलग अलग ये लोग ने ये भी करके रखा है, देखो ये यहाँ पे एक गुलाब का टाइप बना के रखा है कलरफुल, ये भी देख लो यहाँ पे एक स्कूटर इन्होंने बहुत ही सही करके रखा है, तो कुछ आपको फ़ोटो वगैरह करना होगा, फ़ोटो वगैरह लेना है तो बहुत सही है ये। बस बैठो चलो, डन इट गाइज। एक अच्छा सा एक छोटा सिंपल एंड स्वीट रिजॉर्ट, एक प्रॉपर्टी हम लोग ने अलीबाग वर्सोली बीच के पास में ढूंढा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल नहीं है, बट फिर अभी मत मेरे ये मत बोलना कि क्या ब्रो इसमें स्विमिंग पूल नहीं, क्योंकि कैसा है देखो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, अभी मैंने जितने भी आपको दिए उसमें से ऑलमोस्ट 99% प्रॉपर्टीज ऐसे जिसमें स्विमिंग पूल है, एक दो ऐसे रहेंगे जिसमें स्विमिंग पूल नहीं है, बट देन अपन यहाँ पे एक बजट प्रॉपर्टी ढूंढा है हम लोग ने, ठीक है, कि एकदम आपको एकदम आपको जाना है कि कुछ, अभी आप देख लो डिस्क्रिप्शन में ऑलमोस्ट 1100 में विथ फूड पैकेज भी है, नॉन एसी वो सब, तो एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो ऐसे मत मतलब अगर आपको हाँ आपको अगर आपकी क्राइटेरिया को मैच नहीं हो रहा प्रॉपर्टी तो दूसरा ऑप्शन देख लो, बट अगर किसी किसी कोई कोई लोग है जिनको हाँ चल जाएगा क्योंकि कैसे स्विमिंग पूल नहीं है बट 10 मिनट पे चल के वर्सोली बीच है तुरंत, तो लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि चलो बीच पे जाके आएंगे फिर बाकी, क्योंकि प्रॉपर्टी भले छोटा है बट स्टे के लिए वगैरह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्वीट एंड सिंपल है, एक फैमिली है जो पूरा ये मैनेज करता है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग देख सकते हो फॉरवर्ड। बाकी रेट्स वगैरह तो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बजट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर थाने से भी आप आ रहे हो तो ऑलमोस्ट एक 90 किलोमीटर में यहाँ पे पहुँचने वाले हो, रोड वगैरह सब आपको मिलने वाला मैप पे जो भी है, ठीक है। एंड जो भी हमेशा की तरह आपका अगर कुछ इसके अलावा कुछ डाउट हो मैंने जो बताया तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या तो मुझे इंस्टाग्राम डायरेक्ट पे कनेक्ट हो जाओ, मैं वहाँ पे भी आपको जवाब दे रहा हूँ कंटिन्यू बेसिस पे, ठीक है। हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बाय। Press the bell icon to stay updated with the latest video from Dil Se Indian.